करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। तुझसे है जाता है कि तहरीक-ए- पाकिस्तान जब चली और खास तौर पर जब पाकिस्तान की आजादी का ऐलान किया गया तो 20 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद किए गए। हजारों औरतों के साथ बुरा सलूक किया गया, बच्चों को उनके वालिदैन के सामने ज़िबह किया गया। ऐसे कई वाकयात हैं। एक वाकया मैंने पढ़ा, उस वाकये ने मुझे हिला दिया कि हमने इस अजीम नेमत की कदर हमने ना जानी। कैसी कैसी कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें ये मुल्क दिया। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार। जिसने ये वाक्य देखा उसका कहना ये है कि मैं बहुत छोटा था, मैं रेलवे स्टेशन पर वालिद के हमरा मौजूद था। जब इंडिया से ट्रेन की आमद की इत्तला आई, मैं भी रेल गाड़ी देखने के शौक में इनके साथ आ गया। मुझे आज भी वो कर्बनाक लम्हे याद हैं। काश मैंने वो गाड़ी और वो मंजर न देखा होता। आज भी मेरी आंखों के सामने तमाम मनाजिर लौट आने पर मेरा सारा बदन लर्ज जाता है। 14 अगस्त का दिन मेरे बचपन की यादों को ताज़ा कर देता है। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर एकदम शोर मच गया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेशन पर रुकने लगी, जिसके पहिए खून से आलूदा थे और बोगियों पर भी जा बजा बड़े बड़े सुर्ख रंग के धब्बे वाजे दिखाई दे रहे थे। बोगियों से लगी लोहे की सीढ़ियां खून आलूद थीं। ऐसा महसूस होता था जिन लोगों ने यहाँ से जान बचाने के लिए छलांगे लगाई हैं, उनके जूते खून से भरे हुए थे। ये मनाजिर औरतों और बच्चों की आखिरी चीखों और सिसकियों की गवाही दे रहे थे। रेलवे स्टेशन पर मौजूद अफराद की कैफियत तो शायद मैं बयान न कर सकूं, लेकिन मुझे अपने वालिद के अल्फाज याद हैं, जिनके मुंह से बेसाख्ता निकला, उफ खुदाया, हिंदू और सिखों के हमले के नतीजे में बोगियों की खिड़कियों में लटके सर और बाजू कत्लो गारत की दास्तान बयान कर रहे थे। इंसानी खून लकीरों की सूरत में बोगियों की दीवारों पर ऊपर से नीचे तक नक्श हो चुका था। मैंने एक दो बोगियों के अंदर झांकने की कोशिश की, हर तरफ खून ही खून था। औरतों के जेवरात उतारने के लिए कान गले और बाजू काटे गए थे। शहीद मुसलमानों की लाशें फर्श और सीटों पर पड़ी हुई थीं। मुतअद्दद जख्मी कराहते हुए सुनाई दे रहे थे। कई शदीद जख्मियों की जबानें बाहर लटक रही थीं। वो बमुश्किल सांस ले रहे थे। एक बच्ची के दोनों पांव पाजेब पहनने की पादाश में कलम कर दिए गए थे। काश मैं वो मनाजिर न देखता जो कई साल तक मेरी आंखों में जागते ख्वाब बने रहे। मशरकी पंजाब में खून का जो सैलाब आया, इसका कुछ अंदाजा लंदन टाइम्स के नामा निगार आइन मॉर्सन की रिपोर्टों से लगाया जा सकता है, जो उसने अगस्त और सितंबर 1947 को अपने अखबार को इरसाल की थी। 8 अगस्त के बाद मुसलमानों के महलों के महल्ले जलना शुरू हो गए थे और लोग पनाह के लिए भागना शुरू हो गए। 13 और 14 अगस्त को पूरे पूरे गांव शोलों की लपेट में आ चुके थे। 15 अगस्त को हिंदुस्तान का यौम आजादी बड़े अजीब तरीके से मनाया गया। सपहर को सिखों के एक हुजूम ने बरहना मुसलमान औरतों का जुलूस गली कूचों में निकाला। इनकी आबरू रेजी की, फिर बास को करपानों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और बास को जिंदा जला दिया। एक शख्स ने एक खातून की जो बात लिखी, अल्लाह अकबर, एक मुसलमान औरत
वो जख्मी हालत में पाया। वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जब देखा तो उसकी टांगे और जिस्म के कई हिस्से कटे हुए थे। ये एक मशहूर खानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो जब्त न कर सके, रो पड़े। इस खातून ने सिर्फ इतना कहा, आप जाइए चचा जी, गम न करें, इतना सब कुछ हो जाने पर पाकिस्तान तो बन गया, मुझे खुशी है, मैं उम्मत के किसी काम तो आई। इसी तरह ऐसी कई खवातीन थीं। एक वाकया ये भी लिखा गया कि एक खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, मेरे वालिद और सात भाई, चचा और उनके चार लड़के शहीद हो गए, तीन बहनें लड़ते लड़ते नहर में डूब गईं, वालिदा को उन्होंने कत्ल कर दिया, मैं छुप गई, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, जब करीब आए तो मुझे उन्होंने जख्मी कर दिया। आखिरी सांस लेने से पहले इस मजलूम औरत ने कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। इसी तरह ये भी जुल्म किया गया कि बच्चों को मुकम्मल जिबा नहीं किया गया, उनके हाथ पांव काट कर ट्रेनों में बिठा दिया गया। एक वाकया लिखा गया कि वो कहते हैं कि मैं आखिरी बोगी के करीब पहुंचा तो वहां बच्चों के रोने पीटने की दर्दनाक आवाजों ने मुझे मुतवज्जे किया। झांक कर देखा तो बहुत होलनाक मंजर था कि उन्होंने बच्चों को जिंदा लाश बना दिया था, उनके हाथ पांव काट दिए थे और ट्रेन को पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिया था। प्यारे भाइयों, ये पाकिस्तान इतनी कोशिशों से बना। हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, लेकिन अफसोस 70 साल तक इसे अक्सर हुक्मरान लूटते रहे। जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, वो निजाम मुस्तफ़ा भी कायम न हुआ। अब जरूर इस बात की है कि हम होश में आ जाएं, अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों। इस अजम के साथ कि जिस मकसद के लिए हमारे लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, हम उनकी रूहों को खुश करेंगे और उनकी रूहें देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा, पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा कायम होगा, पाकिस्तान में जुल्म और सितम का बाजार ये जो गर्म है ये खत्म होगा, हर एक को इंसाफ नसीब होगा और पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया की क्यादत करेगा। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। वोट का सही इस्तेमाल बहुत बड़ी कुव्वत है। इसके जरिए हम उन तमाम लुटेरों को जिन्होंने मुल्क लूटा, हम उन्हें ये सबक सिखा सकते हैं कि वो आइंदा दरबदर की ठोकरें खाएंगे और जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं वो ऐवानों में पहुंचकर मुल्क की खिदमत करेंगे। अल्लाह आपका हामी, नासिर और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए अल्लाह, तू पाकिस्तान को कयामत तक कायम और दायम फरमा। लबाई लबाई कया हबीब।